अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब आप सब साथ खैरियत से होंगे टीम टैनअप की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के लाइव सेशन में आज तारीख है ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू और वक्त है ग्यारह थर्टी थ्री एलेवन थर्टी थ्री पी एम आप लोगों को अगर आवाज़ और वीडियो मेरी क्लियर आ रही है तो मुझे प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आपका एक सेकेंड रुक जाइएगा लेके आता हूँ ऊपर ताकि जो है आप लोगों के फीडबैक मिल जाए अच्छा जी जी जनाब अस्सलाम एक सेकंड। ठीक है आवाज़ आ रही है सही सब सही है क्लियर हो गया तो ज़रा बताते हैं वालेकुम अस्सलाम वाले जी अहद भाई पूछें सवाल पूछें आप लाइव है बिल्कुल ठीक हो ठीक है अच्छा जी कल की स्कैल्प में वेल हाँ कल रात की स्कैल्प में किस किसने प्रॉफिट बनाया कितना प्रॉफिट बनाया ये भी ज़रूर मुझे बता दीजिएगा प्लीज़ और क्या क्या सवाल हैं आप लोगों के क्लियर आ... हो गया थैंक यू थैंक यू अच्छा भाई टेल अबाउट जी सी जी टी सी सिग्नल यू गए वाली देखे सुबह भाई जी टी सी ऊपर गया फिर नीचे गया फिर दोबारा ऊपर आया अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो ज़रा सी भी और बस कॉपी पेस्टिंग जो सिग्नल दिया हुआ है <coughs> अगर सिर्फ वही चल रहा है तो उसको आप क्लियरली फॉलो कर दो छोड़ दो बाकी का ठीक है वालेक वालेकुम असल बहुत ज़बरदस्त यार अजमेरी ना गला गले में ज़्यादा दर्द है तो आई I मीन mean, गले में दर्द है तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता मैं अभी भाई जी आर टी इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म या बैड कॉइन फॉर वन एक्स दोनों ही अच्छे हैं वन एक्स के लिहाज से अगर हम देखें करंट लेवल पे दोनों अच्छे हैं नीड बहुत सिग्नल यू जी, जी भाई पूछ लें क्या क्या सवाल है आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं दिया क्योंकि उसकी अभी पंप होने वाला है इनशाला मैं सोच रहा था उसकी स्कैल्पिंग दे दूं लेकिन मैंने बोला नहीं यार सिग्नल सिग्नली एजा कर देते हैं क्योंकि इन ताला जल्दी हिट हो जाएगा और उसके अंदर पोटेंशियल है बेसिकली ना और अगर आप देख रहे हो तो उसने जो सपोर्ट लेवल है वो भी कायम कर लिया है थर्टी एट सेंट के ऊपर और वहीं पर वो अक्मलेशन कर रहा है एक हल्की हल्की सी विक लगनी है और वहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और हमारे प्रॉफिट बुक हो जाएंगे ठीक है जो लोग थोड़ा उसको और होल्ड कर रहे हैं लेट से पार्ट्स के लिए ना तो ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त थैंक यू भाई ज़बरदस्त हो गया किस चीज़ में प्रॉफिट हुआ है कितना लगाया है क्या है सारा चीज़ें लगा दो ना भाई अभी आप लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हो सी टी बल्कि नहीं अभी बस बाय जोन में बैठे हुए हो तो अभी ख़रीदारी का जोन है उसको आराम से रहने दो अच्छा प्रोजेक्ट है पंप हो जाएगा ठीक है तो ये बात है जहाँ तक जी टी सी की बात है मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग उसको रहने दो बाय जोन में बैठा है क्यों पैनिक कर रहे हो भाई एक कॉइन की अक्यूमिलेशन होती है एक अक्यूमुलेशन होती है ठीक है ना वो ऊपर जाता है ना नीचे आता है वो फेज खत्म होने दो अब देखो ये जैसे चल रहा था आईसीएक्स चल रहा था क्या है अक्यूमुलेशन ब्रेकआउट ठीक है सिंपल एज दैट इसमें कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है आ, और क्या बोल रहे थे जी टी सी की आप बात कर रहे हो तो भाई अभी मतलब ऑलमोस्ट जस्ट बिलो सात डॉलर बैठा है सात पाँच तक मतलब आपकी अभी ज्यादा नुकसान में कहाँ हो आप अभी आई गेस अगर आपने मैक्सिमम सात पाँच में बाई किया है मेरे ख्याल से आप दो परसेंट के लॉस में जा रहे हो करेंटली आपका ये अराउंड ये सनारियो चल रहा होगा ठीक है अगर तो आपको इतना डर था तो आप जो पिछले घंटे में थे हम अभी पिछले घंटे में ये गया तकरीबन दस सॉरी सात दस तक गया तो सात दस पे आप एग्जिट कर लेते ठीक है वहाँ पे ढाई परसेंट के प्रॉफिट में क्लोज़ कर देते बात ख़त्म दो ढाई परसेंट के प्रॉफिट में क्लोज कर देते चला जाएगा हो रही है समझो कि अक्ूमलेसन क्या होती है अकेूमेशन आपको पता चल जाएगी फिर आप पता चल जाएगा हाँ पे किस तरीके से वर्कआउट करती है चीज़ें ठीक है जो इसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस आती है वो आठ डॉलर पे है जिसको यहाँ पे आपने देख लिया होगा बेसिकली सेवन नाइन्टी सेवन एटी से शुरू होती है ये और ये आठ डॉलर तक इसकी सेल प्रेशर जाता है ठीक है ये अपडेट है इसकी इसके अलावा आप बात करो अगर तो और क्या है सी टी एस आई तो सी टी एस आई भी अच्छा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट प्राइस आपको पता है कि प्रोजेक्ट अच्छा है इसके अंदर हमने पहले भी ट्रेडिंग की है ठीक है आई थिंक जो प्राइस दी गई थी उसी प्राइस पर अभी बैठा है ना आप ना आप प्रॉफिट में हो ना आप ऐसे लॉस में हो आपको गलत कोई ट्रेड ले लिए ज़्यादा पैसे लगा दिए गलत लगा दिए तो एग्जिट करके छोड़ दो उसको ठीक है खुदा ना खास्ता होता है ना यार आपने गलती से उठा के सारे के सारे पैसे लगा दिए तो भाई जब वो ब्रेक इवन पे आए तो आप उसको वहाँ पे अपना एग्ज़िट कर लो बात ख़त्म आपके जो पैसे हैं डॉलर्स आप वापस डॉलर्स में आके बैठ जाओगे तो बात ख़त्म ठीक है सिंपल सा तरीका है इसमें ऐसी कोई घबराने की बात भी नहीं है हाँ ऐसा हो कि यार नीचे जा रहा है मार्केट क्रैश होती हुई नज़र आ रही है आपको बोल देंगे आप मैनुअल स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लो बात खत्म ठीक है प्रॉफिट बताओ अभी आपको अभी एक एक दिन हुआ नहीं है आप थोड़ा सा वक्त तो दिया करो थो, थोड़ा, सा थोड़ा सा वक्त दो थोड़ा सा वक्त दो मार्केट को मार्केट आपको पंप देगी ठीक है लेकिन थोड़ा वक्त तो दो अब जैसे सेलर का था सेलर में आप लोग बिना वजह टेंशन ले रहे थे परेशान हो रहे थे वो भी पंप पंप हो गया ठीक है आज मजीद सेलर पंप हुआ हुआ तो कहने का मकसद ये है कि आप जब आ, क्या कहते हैं पेशेंस के साथ थोड़ा सा रखते हो थोड़ी सी एक्यूमुलेशन होना है तो थो, थोड़ा कुछ घंटे दो ताकि वो अच्छे से पंप हो आपको हैवी दमदार पंप मिले यानी कि बस धड़ करके एक विक लगे और फिर वापस जाए एस, ऐसे ऐसे पंप एंड का क्या फ़ायदा ठीक है तो इन चीज़ों पे ज़रा सा आपने अपना कंट्रोल रखना है और इमोशंस को कंट्रोल में रख के ट्रेडिंग करनी है आप लोगों ने ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों आ, हाँ मार्केट अपडेट देते हैं मार्केट अपडेट देते हैं और क्या पूछ रहे हैं आप लोग ट्वेंटी थ्री की रेजिस्टेंस इस तफा ब्रेक होना के काफ़ी चांसेस हैं अगर नहीं कोई काफ़ी चांसेस तो नहीं है ट्वेंटी फोर तक की अगर विक लग जाए तो अच्छी है वरना नहीं खैर सही है डॉट को अगर अभी हम देखते हैं तो डॉट आपका कहाँ बैठा हुआ है अभी आपको बताता हूँ डॉट यू एस डी टी को अगर हम देखें तो डॉट ने जो इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी प्रीवियसली भी तो डॉट ने वो अचीव कर ली है जो कि बेसिकली साढ़े उन्नीस की रेजिस्टेंस थी ठीक है साढ़े उन्नीस के बाद आपने इसको यकिन देखा होगा तकरीबन साढ़े तेईस चौबीस तरफ की तरफ जैसे अभी मैंने बोला चौबीस तक इसकी एक विक्स लग सकती है पोटेंशियली जिसका मैं पर्सनली ख़ुद वेट कर रहा हूँ कि लगे तो अच्छी बात है और जो है ना वहाँ पे आपको अच्छा गेन मिल जाएगा ठीक है बट अगेन ओवरऑल जो कल का आपको एनालिसिस दिया था वो सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है वॉलीम हमारा थोड़ा कम नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है और इसके अलावा आज मार्केट कैप स्टेबल रहा है ओवरऑल अगर हम बात करें कल भी वन वन पॉइंट नाइन टू परसेंट बैठा हुआ था आज भी बी जो अच्छा मार्केट कैप मार्केट कैप बोल रहा हूँ अब जो है मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले मार्केट कैप हमारा उतना ही बैठा हुआ है जितना कल था वन पॉइंट नाइन टू ट्रिलियन यूएस डॉलर ठीक है कल भी लेवल यही था आज भी यही है इसका मकसद बताने का ये है कि आपके पास जो अभी कॉइन पंप हो रहे हैं ना वो मार्केट का पैसा ही मार्केट के अंदर घूम रहा है हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत पैसा मार्केट के अंदर आ रहा जरूर है लेकिन ज्यादातर ज्यादातर जो चीजें पंप हो रही है ना जैसे आज क्या क्या पंप हुआ है आज आ, कल का हमारा पता नहीं कौन सा सिग्नल था मुझे याद नहीं आ रहा जो दिया था वो भी आज हिट हो गया था आईसी का भी आईसी भी हिट हो गया था ठीक है तो ये वाले जो हमारे कॉइन है ये पंप हो रहे हैं अभी ठीक है जैसे नेयर आज पंप हुआ है लिंक देख रहे हो बढ़ता जा रहा है लिंक नहीं रोक रहा भाई लिंक किसी चीज़ को नहीं देख रहा लिंक माशाल्लाह से बड़ा अच्छी तरीके से पंप हो रहा है और लिंक ऊपर अपनी लेवल पे वापस जा रहा है ठीक है इसकी टीम ने जितनी सेलिंग करनी थी कर दी कर सकते हैं थोड़ी बहुत देख लेंगे कितनी करेंगे लेकिन इतनी ज़्यादा अब तो नहीं करेंगे खैर बहर इसके अलावा आज हमारे दूसरे कोइंस पम्प हो रहे हैं जो कि पहले नहीं हुए थे और वो डिपेंडेंट थे बी के ऊपर ठीक है ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी और देख रहे हो कल मैं आपको क्या बोल रहा था ए का मैं सोच रहा था जो लोग भाई पूछ रहे थे ए का लेकिन थोड़ा सा खतरा इसका यह था कि थोड़ी की नीचे की वेक लगा लेता ना आज ए एस एक्स तो बट ज़्यादा मसला कर देता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इसका ना तो कल ए एस एक्स का भी मैं आपको आई थिंक मैं बता के गया था तो एस एक्स ने भी आज अच्छा खासा सात परसेंट दिखा रहा है अभी तो ये सात परसेंट सात आठ परसेंट कल से पंप हुआ है तो एस एक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है कल के मुकाबले में तो ये जो कॉइंस पंप हो रहे हैं ना ये सिर्फ नतीजा है आपकी मीटीसी डोमिनेंस गिरने का कल डोमिनेंस थी परसेंट पे समझ आ रही है बात रेजिस्टेंस पे बैठे हुए थे हम नहीं टूटी रेजिस्टेंस आल्ट कॉइन में हल्की बहुत पंप आया सारे कॉइन थोड़े बहुत उठे अभी थोड़ा मामला सेटल डाउन हो रहा है अभी मामला जो है ना वेट एंड वॉश वाली पॉलिसी पे आ रहा है तो हो सकता है मैं आपको अभी इसकी हेल्प ना दू थोड़ा बहुत चांस है लेकिन मैं आपको अभी से थोड़ा हैड्सअप दे रहा हूँ ठीक है लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा आपको गेन मिला है जो आज मिला है प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी चीज़ में बुक नहीं किया पर है मेहरबानी बुक कर लो आप लोग ठीक है अच्छा इसके अलावा आपके पास आ, क्या कहते हैं कुछ लोग इथेरियम का पूछ रहे थे उसका भी मैं अभी मजीद आपको बताऊँगा सबसे पहली चीज़ है हमारी आज जो नज़र हमने रखनी है वो दो रजिस्टेंस लेवल्स हैं जिसमें प्राइस नहीं आती है बी की पहली चीज है सबसे पहले क्रिप्टो कैप ठीक है ग्लोबल क्रिप्टो कैप दो ट्रिलियन यूएस डॉलर का लेवल एक तो ये चीज़ है दूसरी चीज़ है आपकी बी की डोमिनेंस बी टी हमारी कम हो रही है ठीक है और अगर इसके साथ साथ आपने देखा होगा तो इथीरियम की भी डोमिनेंस कम हो रही है कल एटीन पॉइंट सेवन परसेंट थी आज जो है इथेरियम की डोमिनेंस 18.6 परसेंट है ठीक है तो अगर मैं इसको यहाँ पे जरा डोमिनेंस का अगर आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ तो यहाँ पे एक मिनट रुकी यहाँ पे मैं आया हूँ कॉइन मार्केट कैप पे पे सारी चीज़ों को अनसेलेक्ट करके सिर्फ जो इथेरियम और इसका जो है ना सिर्फ इन दोनों का दिखा देता हूँ आपको कि फर्क किस तरीके से आया है कल अगर आप देखोगे तो जो ऊपर वाला है ऑब्वियसली वो आपका बीटीसी है ठीक है और अभी जो है हमारा यहाँ पे इथ में नीचे की तरफ ठीक है अच्छा कल जो आप पीक देख रहे होगे वो यकीनन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एटीन पॉइंट सेवन पे था यहाँ पे ठीक है आ, यहाँ पे सेवन टू एट परसेंट पे था ठीक है लेकिन हुआ ये कि इथेरियम ने वहाँ से डिक्लाइन कर रहा है कर रहा है कर रहा है अच्छा इस चार्ट को दिखाने का मकसद क्या है इस चार्ट को दिखाने का मकसद ये है कि लार्ज कैप में से भी पैसा निकल रहा है जो कि आपके बड़े खिलाड़ी है ना गेम के अंदर जैसे आपका इथेरियम हो गया बी हो गया ये लार्ज कैप में आ जाते हैं ठीक है एक्स आर पी बी चाहिए है उसी से चालीस बिलियन डॉलर का लार्ज कैप है? मार्केट कैप है तो लार्ज कैप में आ जाता है लेकिन इसके अलावा आप देखो आडा ने बड़ा अच्छी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दी है आडा ने भाई जिसने उठाया है एग्जिट कर लो प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आडा की ठीक है आडा की प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बार बार बोल रहा हूँ वैसे तो सारे कॉइंस की हैं लेकिन देखो आपको पता है कि मार्केट के अंदर एक चीज़ पंप हो रही है तो वहाँ पे आपने किसी ना किसी पॉइंट पे एग्ज़िट तो करना है ना जो भी माइंड सेट बनाया हुआ है वो समझ के एग्जिट कर लो ठीक है और कहने का मकसद ये सारे बड़े क्वेंस दिखाने का यही है कि आपके जो लार्ज कैप्स हैं वो जो है ना वो नीचे जा रहे हैं ठीक है और इनमें से पैसा निकल के में जा रहा है जो आपके छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आपके छोटे मोटे मतलब स्मॉल कैप हो गए मिड कैप हो गए वगैरह वगैरह ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों तो होपफुली ये वाली ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी अच्छा अब एक और चीज़ जो आपने मद्देनज़र नज़र रखनी है अब देखो आपको वॉल्यूम आज जो है वो नज़र आ रहा है 93 थ्री बिलियन यूएस डॉलर का मैंने आपको एक लेवल बता के गया था जो आज कल के दिनों के अंदर काफ़ी अच्छा एक हमें रिएक्शन दे रहा है मार्केट के अंदर वो है वॉल्यूम के लिए 90 बिलियन यूएस डॉलर मैंने आपको बताया है, ये थ्रेश है ये समझो मिनिमम लेवल मार्क है आपका कि इसके ऊपर जब भी हमारा वॉल्यूम रहेगा तो हमारे पास आर्ट कॉइन पंप होते हुए आपको नज़र आएंगे और मार्केट एज ओवरऑल आपको उठती हुई नजर आएगी ठीक है और अभी अगर हम कल के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा वॉलीम हमारा कपनी तरफ हो रहा है इसका मतलब है कि वॉल्यूम हमारा ओवरऑल गिर रहा है समझ आ रही है आपको बात तो आपको पता है कि यार अगर ओवरऑल वॉल्यूम uh, भी गिर रहा है वगैरह वगैरह तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस वजह से हमें जो है ना वो पहली बार किसी चीज़ में प्रॉफिट में एग्जिट कर लो पहली मरतबा ये आई मीन I mean, पहली चीज़ इंडिकेशन ये होती है इम्पोर्टेंस वाइज ठीक है दूसरी ये कि अगर तो आप किसी चीज़ के अंदर एंट्री बनाते हो पार्ट्स में आपने अगर एंट्री ली है फॉर एग्जांपल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ जैसे आपने जी टी सी है जेट कॉइन के अंदर आपने एंट्री ली ना जी टी सी यू एस डी टी अब भाई अभी ये सात डॉलर इसकी प्राइस चल रही है आपने ख़रीदा जब ये डिप में था फर्ज करो ठीक है आधे लोग पैनिक होते हैं एक एक तो मुझे ये वाली भी बात समझ नहीं आई आपको पैनिक क्यों होना है भाई सिक्स एटी तक बाय जोन था सिक्स एटी पर आपने ख़रीदा सिक्स एटी पर ख़रीदा सात डॉलर में एग्जिट कर लिया आप अगर एक मिनट परसेंटेज अगर मैं कैलकुलेटर निकाल के दिखाऊं आपको तो सिक्स एटी की आपकी बाइंग जो है भले दस डॉलर की है कोई भी बाइंग है आपने भाई आपके तीन परसेंट यहाँ प्रॉफिट बन रहा है बन रहा है कुछ तो ख़रीदा होगा ना आपने इस पॉइंट पे वो आप यहाँ पे निकाल निकाल दो बात ख़त्म जो भी आपका प्रॉफिट एक पार्ट है अब सौ डॉलर लगाया आपने फॉर एग्जाम्पल सौ डॉलर पे आपके आपने लेट से तीस डॉलर लगा लिए एक हिस्से में तीस डॉलर पे आपका तीन परसेंट मेरे ख़्याल से अराउंड एक डॉलर और होगा तो आपने जो बनाया आपने वो निकाला और आपके चलो पूरा डॉलर नहीं तो फीस वाइस कट के हो सकता है नाइन्टी सेंट आपके बन जाए लेकिन कहने का मकसद ये आपके कोई ना कोई प्रॉफिट ज़रूर बन रहा होगा तो वो जो प्रॉफिट बन रहा है उसको बुक करना है उसको सेल करना है आपने ठीक है ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है आपको ये मार्केट आपको जो वॉल्यूम चीज़ ये बताती है ना वो ये बताती है कि भाई एग्जिट कर लो मार्केट के अंदर से पैसा कम हो रहा है आ, पैसा तो कम नहीं हो रहा है एज इन लाइक ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है ख़रीदो फरोख कम हो रही है तो जो अपना माल है आपने जो भी माल खरीदा हुआ है आप उसको बेचो ठीक है जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ की एग्जाम्पल देता हूँ जिससे शायद आपको ज़्यादा ईजीली समझ आए आपने बोला यार मैंने आ, कोका कोला की ये, पचास केस खरीदे सही है आप एक दुकानदार हो आपने बोला यार अब जो मेरे पचास में से बीस केस है ना जो बीस केस हैं या जो भी है वो एक्सपायर होने वाले हैं तो एक्सपायरी के लिए उनको मैं जल्दी से बे, उनको पहले बेचता हूँ जो तीस नया माल खरीदा हुआ है उसको रखे रहने देता हूँ भाई जो बीस है वो ऑब्वियसली पुराना माल भी है सस्ता भी ख़रीदा है आपने तो वो बिकेगा तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा सही से अच्छा ज़्यादा मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे थोड़ी सी बेसिकली एक कॉमन सेंस समझो वाली बात है लेकिन कॉमन सेंस को आपने मिलाना है अपने एनालिसिस के साथ जो कि आपका वॉल्यूम समझना है बीटीसी डोमिनेंस समझना है मार्केट कैप समझना है इन चीज़ों को ठीक है तो ये है, आपने मैनेजमेंट करनी है ये आपको मैं मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ कि मैनेजमेंट किस तरीके से होती है आपके आपके पोर्टफोलियो की ठीक है तो होपफुली ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी अच्छा जी जिन लोगों को ये क्लियर हो गया ही है ज़रा मुझे फीडबैक देते हैं कमेंट सेक्शन में नंबर वन टाइप करके या क्लियर टाइप करके ताकि मुझे पता चल जाए हाँ जा भी माशाल्लाह से आप लोगों को समझ आ गई है तो हाँ सर आपने डॉट के बारे में क्या बताया प्लीज़ प्लीज़ रिपीट आई मिस्ट यार कुछ नहीं मैंने ये बोला था कि आ, आ, क्या कहते हैं डॉट का क्या बोला था मैं खुद भूल गया आ, हाँ डॉट का मैंने बोला था कि चौबीस तक की मैं विक देख रहा हूँ उसकी अगर तो मामला सही चलता रहता है बी ज़्यादा डाउनवर्ड नहीं जाता है और हम सही स्टेबल बैठे रहते हैं बी अगर दोबारा फोर्टी वन परसेंट पे आता है ना एक आगे ये बी टी सी अगर दोबारा फोर्टी वन परसेंट पर आता है ना तो डॉट को मैं देख रहा हूँ कम से कम कम से कम चौबीस की विक मारे जो जहाँ तक मुझे मेरा अपना है नहीं मारता तो कोई बात नहीं अब उसकी मर्जी है उसकी भी तो मर्जी है ना भाई अपनी क्लियर हो गया समझ आ गया आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अपनी बाइंग सेलिंग तरीका समझ आ गया आपको भाई बाय सेल तो टकक, टक कोई भी कर सकता है ना लेकिन तरीका जो एजुकेशन होती है ना वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ आपको आनी चाहिए वो चीज़ आपको दुनिया से और हर किसी जो न्यूबी है ना उसको उससे अलग करता है और आपको एक्सपर्ट लेवल का ट्रेडर बनाता है समझ आ गई है तो ये बात है स्ट्रक इन फ्यूचर क्या कर लिया भाई आपने क्लासिक के अंदर एंट्री लेके ये क्या चीज है भाई आपने ये क्या कर लिया अच्छा ये सर क्लियर सर मैंने कुछ टाइम पहले 1.6 पर आडा बाय किया था नहीं, नहीं भाई क्यों है लॉस में क्यों सेल करना है आपने मुझे ये बताओ आप लॉस के अंदर क्यों सेल कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्त लॉस के अंदर आपने कभी सेल करना ही नहीं है भूल जाओगे लॉस के अंदर सेल की कुछ बटन भी होता है भूल जाओ उसको लगा दो, बात फीस क्या एक कॉइन जो पैनकेक स्वैप पे है उसको हम एक कॉइन सेल कर रहे हैं तो वो जो मार्केट रेट है ग्यारह उसकी जगह नौ में क्या लिखा भाई समझ नहीं आ रहा क्या लिखे अभी आपने सेल क्यों नहीं सेल हो रहा तो ऐसे क्यों 56। जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा अगर आप डेक्स पे कर रहे हो ट्रेडिंग जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उस तो पर हो जाएगा ठीक है एंट्री गलत है आपको इतना हाई पे किसने एंट्री का बोला भाई आपने एंट्री गलत पॉइंट पे ले ली मैं क्या करूं एंट्री तो सही लिया करो यार आप लोगों को जो ट्रेड दी जाती है उसको क्यों नहीं फॉलो करते हो आप लोग अगर अपनी मर्जी से ट्रेडिंग करोगे तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं नहीं हो रहा उसमें सर ये क्या चक्कर है इसका आइडिया नहीं है ऐसा होना नहीं चाहिए हाँ कोई आपने प्रोजेक्ट <coughs> सॉरी अगर और अनलेस कोई प्रोजेक्ट आपने उठाया है जिसकी कोई लॉक पीरियड है या कुछ है उनकी उसके अंदर तो वो फिर आप रहने दो सी आर ओ होल्ड और सेल हाँ भाई सी आर ओ की एक और न्यूज थी जो ग्रुप में मेरे ख्याल में शेयर की थी आज तो सी आर ओ ने आज क्या थी मुझे खुद याद नहीं आ रहा कोई उन्होंने दोबारा किसी स्पोर्ट्स का ना वो किया था आ... मुझे याद नहीं आ रहा अभी उन्होंने कुछ किया था तो वो उसकी वजह से उनकी प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन अभी जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना सी पे वो पड़ा नहीं है वो पढ़ेगा अभी नहीं पढ़ा अभी पढ़ेगा अगर तो पढ़ना है तो ठीक है एज अ फंडामेंटल न्यूज़ थी उसकी तो वो आपके साथ शेयर की गई थी ठीक है लेकिन जो असल इसकी न्यूज़ थी ना वो थी जब न्यूयॉर्क के स्ट, स्टेडियम है या वहाँ क्या है वहाँ पे जब अमेरिका में इसकी Uh, उनके साथ दस साल की बीस साल की पता नहीं कितने सालों की जो अग्रीमेंट हुआ था ना वो तब इनकी जो है ना मज़े की पंप आया था तब आया था ये नाइन्टी फाइव सेंट तक गया था तो जो होल्डर से दस सेंट बारह सेंट चलो यार बीस सेंट से भी जिन्होंने उठाया है मेरे कहने पे उन्होंने इस इतनी कोई मज़े की गेन लिया होगा यकीन ये देखो ये गया था अल्लाह अगर आपका हाँ नाइन्टी सेंट ऑलमोस्ट एक डॉलर कह लो तो देख रहे हो कहाँ से उठ उठता हुआ धड़ करके वहाँ पर इतनी तेज़ी से पंप हुआ था तो इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल तो बहुत है इसके अंदर अभी भी अगर हम बात करें इसकी टीम बहुत अच्छी है इसकी टीम बहुत अच्छी है पूरे यूरोप कनाडा और किधर है अमेरिका में, में मेरे ख्याल से कोशिश कर रहे हैं पता नहीं कर रहे शायद अमेरिकन रीजन का इतना इसमें आइडिया नहीं है मुझे लेकिन हाँ ओवरऑल इसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पंपिंग वगैरह वगैरह होगी इनशाला ठीक है ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है तो ये बात है सी आरों में ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों और आ, क्या पूछ रहे हैं आप लोग ए एस एक्स अपडेट ए एस एक्स में भाई अगर आपने कल एंट्री ली है जो हम खाली डिस्कस कर रहे थे भाई होल्ड करना है क्यों सेल करने पे आए हुए मुझे समझ नहीं आई आपकी बात क्यों आप सेल करना चाह रहे हो वजह तो जी सर मैं जो है बस अभी ये दो मिनट रुक जाए मैं ज़रा कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ कि कैंडल दो मिनट में किधर क्लोज होती है उसके बाद ही जो है ना वो हम लोग एंट्री वगैरह लेंगे ठीक है अगर तो मार्केट हमें सही क्लोजिंग दे देती है तो ठीक है तो ये बात है इसके अलावा वरना आरपा के अंदर मैं सोच रहा हूँ एंट्री लेने का आरपा के अंदर जो पुराने लोग हैं डरिएगा नहीं इन शाला ये हिट होगा स्टॉप लॉस के साथ दूंगा टेंशन की बात नहीं है तो आरपा के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि आरपा हमारा जो है वो आ, कितना देखते हैं करता है ठीक है तो आरपा में देख रहे हैं हम ट्रेड लेकिन अभी मैंने दी नहीं है तो ज़रा आप लोग रुक जाइएगा ठीक है स्टेकिंग का एक्सप्लेन कर दें स्टेकिंग में ये होता है आप कॉइन खरीदते हो उनको लॉक कर देते हो कभी कबार फ्लेक्सिबल होता है तो मतलब लॉक भी नहीं करते और आपको वही कॉइन आपके बढ़ते रहते हैं थोड़े थोड़े कॉइन्स आते रहते हैं ठीक है, है? ये होता है जो मार्केट प्राइस प्राइज़ उसमें सेल नहीं हो रहा मार्केट प्राइस ग्यारह डॉलर है पैनकेक में लेकिन हज़ार सेल कर रहा हूँ तो ज़ीरो पॉइंट क्या समझ तो नहीं आया माशा जबरदस्त इथेरियम अपडेट हाँ इथेरियम की अपडेट भी आप लोग पूछ रहे थे यार इथेरियम की जहाँ तक अभी हम बात करेंगे तो इथेरियम में आपके पास क्या कहते हैं इथेरियम में ना आपके पास ओवरऑल जितनी भी रेजिस्टेंस है ना वो थर्टी वन हंड्रेड के अराउंड है थर्टी वन वेल थर्टी थर्टी हंड्रेड से लेके तीन हजार डॉलर से लेके थर्टी वन हंड्रेड तक है ठीक है तो यहाँ पे जब भी हमारी रेजिस्टेंस बैठेगी जब तक बीटीसी स्टेबल नहीं होगा तो हम लोग जो है ना वो डंपिंग में आएंगे ठीक है बीटीसी को ब्रेकआउट इन टर्म्स ऑफ इथेरियम इथेरियम का पेयर बीटीसी के साथ ब्रेकआउट करना लाजमी है तभी तभी इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी ठीक है वरना तो हमें इथेरियम में इसी तरीके से रिजेक्शन मिलती रहेंगी और जैसा कि मैंने आज आपको बताया है इसी तरीके से जो हमारे क्या कहते हैं इथेरियम का जो मार्केट कैप है वो सब जो ब्लीड होता रहेगा थोड़ा बहुत और हमारे जो छोटे मोटे क्वाइन है वो पम्प होते रहेंगे ठीक है, है? ज़रूरी नहीं है अगर मैं छोटा मोटा बोलता हूँ तो उनकी ये नहीं है कि मतलब कि टीम खराब है या इस तरह का कुछ भी बस एक कहने का मकसद है कि आर्ट कोइन क्योंकि कुछ होते हैं छोटे मार्केट कैप के कुछ होते हैं बड़े कैप के तो इस तरीके से ठीक है तो माइक्रो कैप के भी जो है वो कॉइन्स पे हम देख सकते हैं ठीक है उस लेवल पे भी मार्केट का काफ़ी पड़ता है अच्छा जी तो जनाब अली आरपा यू को हम देख रहे हैं ठीक अभी कर जीरो जीरो सेवन फाइव टू एट ऐसा करते हैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव 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 ये इसका रख लेते हैं ठीक है तो ये बात है बाय जोन फाइव फाइव ओ से ठीक है इसके नीचे की बाइंग जो भी है और अगर आप इसको वैसे करना चाहो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट हमारी सपोर्ट है 000, ठीक है टेक प्रॉफिट है आपका जीरो पॉइंट सेवन नाइन फाइव एंड जीरो पॉइंट जीरो एट वन फाइव ठीक है तो ये है स्कैल और स्टॉप लॉस है आपका होल्ड 6 0.06 50 ठीक है तो ये है आज की हमारी स्कैल चैलेंज ठीक है दोस्तों देख लिया आप लोगों ने स्केल पास की हमारी तो ये है और इसके अलावा जहाँ तक हम बात करें ओवरऑल हमारे मार्केट में अभी एक पंप रहता है जो कि मुझे लग रहा है बीटीसी पे में इजीली हम देख सकते हैं मुझे लग जो लगता है एनालिसिस से वो ये है कि फोर्टी फाइव थाउजेंड की जो रेजिस्टेंस है वो एक मरतबा रिटेस्ट होगी कम से कम बेड़ मिनिमम अगर ऊपर ना जाए वो एक अलग बात है लेकिन कम से कम जो आपकी क्या कहते हैं डोमिनेंस के मुताबिक अगर हम बात करें बीटीसी डोमिनेंस अगर दोबारा दो ट्रिलियन यूएस डॉलर के ऊपर जाके मार्केट कैप जाता है हमारा तो अगर बीटीसी की डोमिनेंस सिर्फ फोर्टी टू की रेजिस्टेंस को ही टच करती है सिर्फ उसके ऊपर ना जाते हुए भी बीटीसी टी फोर्टी फाइव को एक विक मार सकता है कम से कम होपफुली आप लोगों को ये बात याद होगी और जो है हमारा आ, क्या कहते हैं आ, आ, क्या बता रहा था बीटीसी का एक मिनट चार्ट खोल के आपको दोबारा बता देता हूँ ठीक है ओह आई थिंक मैंने आपको एक मिनट थोड़ा सा ये गलत हो गया एक मिनट सेवन फाइव फाइव की हमारी बाइंग थी और यहाँ पे मैं यही देख रहा था ये एक तो इतना छोटा कॉइन है ना सेवन फाइव ज़ीरो था ये सेवन फाइव सॉरी एक मिनट

और दूसरा टेक प्रॉफिट है हमारा सेवन एट फाइव ठीक है और टेक स्टॉप लॉस था हमारा सेवन सेवन फोर ज़ीरो सॉरी यार ये करेक्शन मैंने कर दी है जी जनाब तो सॉरी uh, माजरत चाहता हूँ थोड़ा सा एक वो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसके इतने ज़ीरोज़ हैं उसमें जीरोज़ में कंफ्यूज हो गया था तो ये बात है तो करेक्टेड ये मैंने ट्रेड यहाँ लिख दी है ठीक है uh, इसके अलावा जी तो ये बात है ठीक है अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं कि भाई सादा नीचे आ गया ठीक है हाँ अगर तो अगर हमारे पास जो है क्या कहते हैं इसको इसकी जो मूविंग एवरेज है छोटे टाइम फ्रेम में ट्वेंटी वन मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस भी है सेवन फोर ज़ीरो पे ठीक है ज़ीरो पॉइंट जीरो सेवन फ़ोर ज़ीरो पे और अगर ये मज़ीद फिर नीचे डाउनवर्ड आता है तो हमारी एक मैं ट्रेड का सोच रहा हूँ जो कि 200 हंड्रेड मूविंग एवरेज की लेवल से हमारे पास एक ट्रेड हमें ट्रेड का सेटअप हमें मिल सकता है आरपा के अंदर क्योंकि अगर आप देखोगे वन आवर के, के टाइम फ्रेम में तो इसने काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दी है टू मूविंग एवरेज को ये पुरानी ट्रेड है एक मिनट इसको तो हटा दो ठीक है लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में चल रहा है तो इन श्ल्ला जल्दी हिट होगा ठीक है तो ये बात है ओवरऑल ठीक है जो ठीक है जी दोस्तों तो होपफुली आप लोगों ने अगर पुरानी अभी जो ट्रेड दी है वो जो लिखी थी उसको इरेज़ करके आप ये लिख लो और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो आरपा को तो आरपा आप देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में भी ओवरऑल आई एम वेरी ऑन इट क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा बॉटम डाउन हो के अप ट्रेंड में जाने वाला है और अभी इसकी फंडामेंटल अगर आपने देखे तो अभी तो फंडामेंटल से काफ़ी मतलब जो फंडामेंटल की न्यूज़ की वजह से पंप हुआ था उसके बाद और मज़ीद पंप होने के बाद भी जो है ये अगर ओवरऑल हम देखें तो इसने एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ है ठीक है तो इस वजह से आज हमने आर के अंदर ट्रेड लिए क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं क्या वजह है टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह वगैरह ठीक है जी दोस्तों तो होपफुल ट्रेड क्लियर हो गई होगी आपको तो अगर ट्रेड क्लियर हो गई है तो जरा मुझे फीडबैक दे दीजिएगा अपना फ्यूचर में बाइंग की है क्यों किए स्पॉट का सिग्नल है भाई स्पॉट का सिग्नल है ये आप फ्यूचर में क्यों लेके जा रहे हो थीरियम गलत है गलत है बहुत गलत है थीरियम की ट्वेंटी नाइन क्या एंट्री भाई यहाँ पे तो हमारा एग्जिट था भाई ये तो हमारा एग्जिट था टू नाइन नाइन फाइव का तो एग्जिट था आपने वहां पे एंट्री लेके बैठे हो मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट क्यों जा रहे हो मार्केट के ऑपोजिट जाओगे तो मार्केट आपको खा जाएगी आप मार्केट को पहले समझो तो सही आपने भी ऐसी बस आंखें बंद करके ट्रेड ले लिया क्या कह सकते हैं यार गलत ट्रेड लिए भाई आपने ठीक है चले जी दोस्तों फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है आप लोगों का अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज